तो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका इरफान शबाना के ब्लॉग में। ब्लॉग में तो आज शब्बू बनाने वाली है क्रिस्पी, है ना। ये कल दाल का अपन रात को दाल गोश बनाए थे, तो माशाल्लाह दाल खाती है, बहुत बच गई है। दो चार दिन और चल सकती है, ऐसा नहीं बची। जो ये जो बनाती है तो ऐसा बनाती है, क्वांटिटी में बनाती है। एक ही टाइम तो एक टाइम तो बनाई थी, नहीं, तो रात को बनाए तो रात को बनाए तो एक ही टाइम होती है ना। हाँ, तो अभी तो अभी बची है तो खराब भी करे। और दाल का जो दाल गोश जो होता है, तो बचा हुआ था ना, उसका दूसरे दिन है ना और टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो अभी रात को हम लोग, शाम को अभी तुम जाओ चिकन लेके आओ, चिकन लाके मैरिनेट करके रखूंगी मैं, उसको अपन बनाएंगे चिकन क्रिस्पी दाल चावल के साथ में, मस्त लगेगी। मच्छी लेने जाने का, लेकिन बारिश गिर रही है तो मच्छी है नहीं, और मैं उठती लेट हूँ तो मच्छी वाली चली जाती है। हाँ बोलो, आप कुछ बोलो, तुम उनके सुबह में क्या किए? और सोच रहे कि भुट्टा लावे ना। हाँ भुट्टा कौन खाने का, तुम कल आदमी बोले कौन खाएगा, बोलो सेकने का देखेंगे, जो मिलेगा वो जैसा ले लेना, जैसा जो आसान पड़े वैसा बना। मेरा बॉईल भी अच्छा लगता है, उसको बॉईल करके भी खाते ना तो अच्छा लगता है, चाट मसाला लगा के। लेकिन अभी मेरे कॉर्न का अच्छा ना बनाने का मस्के के अंदर, वो और टेस्ट ज्यादा, उससे अपन वो भी बनाएंगे और खाएंगे। मेरे पॉइंट पे लेके बैठेंगे, डब्बे में लेके जाएंगे, क्योंकि डब्बा सबका स्कूल में कैसे खाते होती है। हमारा बरसात के तो पानी भी गया, तो नमक नींबू ज्यादा छोड़ गया पानी इतना। अभी तुम खाए तो बरसात गिरी थी, बरसात के मौसम में इंसान जाके खाता है, गिरेगी तो क्या करेगी, उसका भी बंदोबस्त करके जाएंगे, छतरी लेके जाएंगे, छतरी में बैठ के खाएंगे। और सुबह जो जिम जाके फिर उसके बाद सैलून गया, बाल बल्ब बनाया, बनाया नहीं कलर कराया, बनाया नहीं बोलते, बना तो घर में बनाते हो, बाल कराया और थोड़ा मैंने वो क्या लगाया उससे क्या मालूम, बिल फाड़ दिया, लेकिन इज्जत बहुत दिया माशाल्लाह उसने, चाय पिलाया बैठ के, इज्जत के तो मैंने खुशी के मैंने दे दिया जो बोला। तो ठीक है, जो जो करते जाएगी आप लोग को बताते। तो हम लोग गोदाम पे आ चुके थे, आने के साथ ही दानी ने सीधा खमला निकाला, हरी पत्ती डाल दिया बकरों को, और खुद के बकरे छोड़ के दूसरे बकरों को भी खिला रहा है, इसको इतना शौक है खिलाने का कि पूछो मुझे। ही देखो क्या कर रहा है अभी तू, अरे वाह, लगता है तू तैयार कर देगा जानवर, लगता है ना। हाँ जानवर तैयार कर देगा तू, और ये हमारे बकरे जो है खा रहे लोग बाकी पत्ते, ये सब ये जो आगे का जो बाड़ा टूट गया है ना, तो उनके बकरे भी अंदर ले लिए, तो अभी ये शाम तक निकल जाएंगे ना, तो फिर मस्त उसको साफ़ सफाई करा के अच्छे से दूसरे बकरे बांध के फिर अनाज भराएंगे ना, उसके बाद फिर ये लोगों तैयारी पे लेंगे, है ना। सही है, ठीक है ना, सही है। और कुछ आगे का सोचा क्या करना है? आगे का आगे देखेंगे, चलो ठीक है, पत्ते ले लिए, चलो लिए, चलो पत्ते आ चुके हैं। कितने के लिए? 100 रुपये के। इतने सी महंगे हो गए बकरे, थोड़ी है अभी बकरे का पेट, ये आज की तारीख में बिरयानी है बकरों की। अच्छा समझा, चलो जाते, चलो गाइस अब जाते हैं, घर पे मिलता आप लोग आगे। मैं तो गोदाम गया था शब, मेरे को फोन की बाजार लाना, मैं तू चले गया, मैं गोदाम में हूँ तो बकरों को खिला रहा हूँ, तो शब बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ बाजार। तो मैं फर्स्ट टाइम देखा शब को बाजार जाते हुए नहीं लाते हुए, घर पे मैं आ चुका था, तो मैं घर पे आज बाजार लेके आ रही थी, तो फर्स्ट टाइम यानी बहुत काफ़ी टाइम बाद मैंने फर्स्ट टाइम देखा, क्योंकि जल्दी वो उतरती नहीं, रानी माँ है ना, इसलिए उतरती नहीं है वो, है ना माँ। तो पार्टी वाले नहीं मिलते ना, ओह हो क्या लाई, मैंने चिकन लेके आ गई हूँ, चिकन भी और चिकन भी लेके आ गई हूँ, और पालक की भाजी, चौलाई की भाजी भी लेके आई हूँ, इंशाल्लाह कल वो उसका ब्लॉग डालेंगे हम लोग, है ना, थोड़ा वेज भी खाने का, खाली नॉन वेज नॉन वेज खाने का, और फ्रेंच फ्राइज लेके आई हूँ, और ये आइसल के लिए क्या बोलते हैं, रतालू बोलते हैं, और इंग्लिश में क्या, अच्छा कुछ स्वीट स्वीट पटेटो बोलते हैं इंग्लिश में, वो उसके लिए बॉइल कर रही हूँ, दाल लेके आई, भुट्टा लेके आई, भुट्टा लेके आई, खाएंगे, चलो ठीक है, बाकी चिकन विकन सब मैंने रख दिया, तो सब लेके आती है, औरत कपड़े लेने जाती है, बाजार नहीं आती तो दुनिया भर का ले आती है। मैं देखा ना तू कुछ भी ले आती, एक लेती हूँ अभी जाके दो चार ले लेती हूँ, तो चीजें यार दिखती है, अभी अभी दुकान में गई थी ना, तो वहाँ पे अपने सब्सक्राइबर थे, मतलब तो वो बेचारे मुझे खड़े कब से बोल रही, भाई ये दे वो दे, तो ना वो काम पे बिजी था, तो बोलती यार तुम बोलते ना भूल जाऊंगी, तो अभी मैंने याद दिलाई कि आपने ना ये भूल गए थे, तो बोला जजाक अल्लाह, बोला सुबह होने लगी मम्मी और मैं वाली, बोले आपकी ब्लॉग देखते अच्छे, तो थैंक यू, मैं भी भूल गई खड़े खड़े ये लेना है वो लेना है, खड़े रहते ना अभी भूल दे, क्या भूल गया, पनीर भूल गई,
अब मुझे लेना था पनीर, दूध भी खत्म हो गया, दूध भी लेता, दूध लेके आओ ऐसा जाके मैं लेके आता हूँ। हाँ, तो फिक्र मत कर, चलो ठीक है। जो जो चीजें भूल चुकी है वो चीज मैं जाके लेके आता हूँ। और प्लम्बर को भी लाना है, वो नल दिखाना है, फिर उसको एक खड्डा करा के वायर केबल वायर डालना, क्योंकि जो घड़ी लाइट जाती है वो भी कराना है। तो अभी जाऊंगा, सब चीजें मैं करके आऊंगा। क्या बोलती है, मेरे यहाँ से बाप देखे तो अच्छा रहेगा, मस्त खाने में मजा आएगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो शब ने चालू हो चुकी है वो फैन फ्रेंस फ्राई करना, क्योंकि बरसात चालू हो गई है। आप लोग को दिखाता हूँ मैं बरसात के लिए, देखो रात को जब भुट्टा बापेंगे वो भी हम खाएंगे, लाल मिर्ची लगा के, मसाला लगा के। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। चलो ठीक है ना, तो चलो अभी गर्मा गर्म निकलेगा वो खाएंगे, फिर आगे क्या क्या होगा आप लोग को दिखाएंगे। दिखाया ना क्या उजाला बताता है। चलो ठीक है, ठीक है। तो सब ने तैयारी कर चुकी है काय की क्रिस्पी बनाने की, और मसाले वसाले सब रेडी करके रख चुकी। इतने में आइजल भी उठ चुकी, अब उसके अम्मी अब्बा गए किधर बाहर, तो आइजल हमारे पास है। अभी उठ गई तो अभी यहाँ भागेगी, कुछ खा लेगी, तो हिसाब से मैंने इसको गोद में ले लिया है ना। फ्रेश होने में लगता है। हाँ चलो क्रिस्पी कर लिए, तो मैंने यहाँ पे ली हूँ लेग का बॉनलेस ली हूँ, मैंने इसका लंबे लंबे पीस कर ली हूँ। ऐसे मसाले जाएंगे अपने, सोया सॉस जाएगा 1.5 चम्मच, काली मिर्च जाएगा 1/2 चम्मच, कुटीली लाल मिर्ची 1 चम्मच, और नमक अपने हिसाब से 1/2 लहसुन, और 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर आटा, और 1 अंडा। तो अपन सबको मिला के मैरिनेट के रख देंगे और उसको अपन फ्राई करेंगे। ठीक है, मैरिनेट करने के बाद फिर इसकी ग्रेवी बनेगी, और अलग से बनाऊंगी, तो और ग्रेवी का अलग बताऊंगी। तो डालेंगे सोया सॉस, नमक, नमक थोड़ा कम ही डालना, सोया सॉस में नमक रहता है मसाले में, काली मिरी और ये रेड चिल्ली, 1/2 लहसुन, ये थोड़ा स्पाइसी बनता है, अच्छा लगता है, अंडा और ये कॉर्नफ्लावर आटा। अब ये सबको मिला देंगे, सबको मिक्स करके मैरिनेट करके रख देंगे, उसके बाद में फ्राई कर लेगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो चलो अभी इसको मसाला मिला देंगे, तब पका देंगे, यानी लोग आपस में मिल उठ के एकदम एक हो जाएंगे, उसके बाद उनको फ्राई करेंगे। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगी, उसके बाद में अपन उसको चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। लोग को खिला के गोदाम से, तो आ गया व्यापारी जी अपने बकरी को, जहाँ घर के पास रखा उसको खिलाने की, तो पत्ते वत्ते लिया और उसको आ गया बांध के, तो खिला रहा हूँ अभी बैठ के। तो अंदर बहुत गर्म था, तो फिर मैंने बाहर का पंखा भी चालू कर दिया कि गर्मी थोड़ी बाहर निकल जाए, और मज़े से खा रहा है। देखो मैं आप लोग को दिखाता हूँ, अभी इसको खिला के फिर जाऊँगा ऊपर, ऊपर जाके फिर चाय वाय पी के फिर सीधा वापस गोदाम पे जाऊँगा, फिर उन लोग की अपडेट क्या फिर हम आप लोग को बताऊँ। तो भाई सुधार आ चुके हैं, वो अपना काम काम कर चुके हैं, बोले सस्ता कराओगे ऐसे ऐसे कराओगे तो ऐसे ही चलेगा। मैं करता तो एकदम मस्त करके दे देता, मतलब भाई गलती हो गई, अभी क्या करे, लड़के ने बोला तो मैंने करा दिए। तो इसने बेचारे अपना काम चालू कर चुका है, मैं आप लोग को दिखा था। हम लोग इनको ही कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे, फिर बाद में इनके इनको कम पैसा करने के अंदर फिर सुप्रिया ने बोला जान दो मम्मी उससे करा लो, तो मैंने उससे करा लिया। इनके पास काम टाइम रहता नहीं है, ये बिजी आदमी है। अभी इनका काम देखूंगी फिर नंबर दूंगी मैं, नंबर किसी का इसके दे रही नहीं, अच्छा काम करेंगे फिर नंबर दूंगी। बहुत से ज्यादा नंबर मांगते हैं मेरे से, और ये निकाल देंगे तो नया आएगा ना पूरा, समझी। तो अभी पलम्बर को ही बोल गया, वो भी आ रहे हैं, बस बस चाय पी रहा हूँ भाई, मैं चाय पी के आता हूँ। मैंने ठीक है, तो उसको भी नल का जो पानी गिरा वो दिखा देंगे, और एक हॉल कराना इधर, वो बोला नया केबल डालने का ना। हाँ, नया केबल डालेंगे, क्योंकि पुराने केबल से अपनी लाइट जा रही है, अपन उसी वो केबल बदली नहीं करते। मैंने भाई तू वो भी बदली कर दे, इसकी वजह से ये सब उड़ रहा है बार बार। अरे राजू यहाँ धमाल मस्ती कर रही है, राजू मुँह में ये देखते है मेरे को पागल हो जाती है, बस गोद में ले लो मेरे को और नीचे लेके चलो, है ना। देखे क्या करती है अरे मम्मा, चलो ठीक है, ठीक है। तो सुतार ने अपना काम करके चला गया, क्योंकि उसको मार के गया, बोले बाकी कल लेके आना, मार दूंगा मैं। अच्छा, अच्छा चार स्कूल लगते हैं।
इतना झूठा है साला, एक नंबर का। इसको बच्चे में लेके भाग गया, सब लेके भागा वो। क्या बोलूं सर, इधर ये ऊपर भी एक एक इसको मारा है, बोलो सब ने, सब ने एक एक इसको मारा है, एक उसको टिकता है क्या। और इसके बाद अभी इलेक्ट्रिशियन भी आ गया, खड्डा बता रहा किधर मारना, पलम्बर भी आ गया वो भी खड्डा मार दे, दानिश भाई सतीश दोनों आ चुके। आप लोग को देखो ये दिखा रहा है कि इधर करना, किधर मारेगा खड्डा, ये बहुत कर रहा है। तो क्या मशीन लेने गया, मशीन लेने गया अभी तू केबल का कल डाल, परसों डालेगा, मंडे डालेगा ना। कल तो ये घर पर रहेगा, पूरा हफ्ता यहाँ रहता है, एक दिन घर पर रहता है ना शकील। और ये मेरी गुड़िया भी आ गई, गिड़िया है, गिड़िया मेरी गिड़िया गिड़ी। तो चलो अभी खड्डा जैसा होएगा मैं आप लोग को बताता हूँ, कि मंडे को ही वो केबल डालेगा और नल का भी बोले कल ही कर दूंगा मैं। चलो जैसा होता जाएगा मैं वैसा आपको बताता हूँ। इतना बड़ा वो ड्रिल मशीन का लेके आया कि हॉल आर के पास ऐसा लगता है कि बिल्डिंग ही गिरा डाले के लगता है शायद। ये देखो बताओ कितना बड़ा है, अरे बाप रे बाप। शकील देखो काम का नहीं है यार, एक बार शकील नहीं लगा पा रहा, बताओ अभी क्या बताओ मैं तुम लोगों को। अब बोलते हैं कि शकील सब कर लेता, टावरों का काम करता है शकील, और एक लाइन चालू नहीं कर पा रहा। देख अब तू बैठे क्या करे सब इधर, अरे वाह खाने के लिए, इसके लिए बाजार गए तो मैं बाजार बाजार जाते कुछ ना। चालू हुआ, चालू हुआ, सामान के मार, बिस्मिल्लाह बोल के मार भाई। तो बदली करने आ गए हम लोग, क्योंकि उसके सेल पतले और हम लोग ने लिए जा रहे सेल, तो हिसाब से बदली करने आए। और शब ये दुकान में खड़े बदली कर रही है आइजल को लेके, तो जैसी फेरी होती है मैं आप लोग को बताता हूँ। क्या हुआ, महंगा मिला और चार्जर वाला है, सेल की जरूरत नहीं है, चार्ज करेंगे ना अपन, चार्ज अच्छा ना रहने देना। चलो ठीक, चलो दे दो, कितना दे देगा ऊपर से, तो लिए 300 का और रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न दिया 300 का लेंगे 900 का। क्या हिसाब है वहाँ पर, 1500 MRP 800 रुपये। तो आजल हम लोग बदली करने के लिए आजल को लेके जो खिलौना लाए मैं आप लोग को दिखाता हूँ, वो खिलौना मस्त है, यहाँ वहीं घूमता रहता है। देख नवा तोड़ देगी, क्या ये सब ठेकड़ा, तो उसको पकाना खा लेते हैं। मैं बोला तोड़ देगी तो टूटेगा, मेरे को मालूम आते घंटे में टूट ही जाएगा वो, जाने दो हो गया तो बच्चे का काम ही ठीक है। तो चलो आते हैं, एक घंटे में बताऊंगा इसका क्या हाल है, फिर आप लोग भी देखना। तो सब काम निपटा उठा के घर पे आए तो ऐसे लग भूख लग गई थी, तो सब बोली चलो मैं अपना जो क्रिस्पी हो तल देती हूँ और बना देती हूँ, मतलब ठीक है ना। यस, भूख लगी है, मन क्या हो गया था, तो बना देती हूँ इसको फ्राई करने का है, तो इसके और ग्रेवी के लिए अपने के सब मसाले हैं बताती हूँ, पहले ये हो जाए तो फ्राई, फिर मसाले बताऊँगी। इसको निकालेंगे अपन गर्म तेल में, गरम प्याज की प्याज करके अच्छा अच्छा इसकी ग्रेवी बनाएगी। हाँ, ठीक है, तो चलो फ्राई होता है निकलता, फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ, फिर ग्रेवी बनेगी वो भी आप लोग को दिखाता हूँ। वो ग्रेवी बनाने जा रही है अभी, वो तो क्या बोलते हैं उसको, फ्राई मुर्गी तो हो चुकी है, क्या इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्पी तैयार हो चुकी है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो क्रिस्पी मैंने फ्राई करके रखती हूँ, अभी अपन थोड़ा तेल लेंगे और उसके अंदर अपन डालेंगे लहसुन, लहसुन मैंने 4 से 5 के ले ली हूँ, और मिर्ची जितना तीखा चाहिए उतना ली हूँ, 2 या 3 मिर्ची है, आधा चम्मच मैंने काली मिर्ची ली हूँ, और 1 चम्मच लाल मिर्ची ली, और थोड़ा सा फूट कलर डाली, मेरे पास कश्मीरी रेड चिली नहीं था इसके लिए, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर आटा ली, और उसके अंदर अपन सॉसेस डालेंगे, टमाटो सॉस लिए मैंने 2 चम्मच, सोया सॉस लिए मैंने 1.5 चम्मच, और शेजवान सॉस 1 चम्मच, और रेड चिली सॉस 1 चम्मच, और एक तेल, और ये ग्रीन प्याज है ना गार्निश करने के लिए, और कॉर्नफ्लोर आटा, कॉर्नफ्लोर आटे के अंदर अपन पानी मिलाएंगे थोड़ा सा क्यों, पूरा भर देना
रखते हैं गाढ़ा थोड़ी ग्रेवी रहेगी ना थी कौन सा आटे के अंदर अपन पूरा मिक्स कर देंगे इसके अंदर अपने सब सॉसेस और सब ना मिक्स कर देंगे इसके अंदर सॉस चला गया सब नहीं चल रहा सब सॉस इसको मिला देंगे सॉस की चटनी बन गई अब इसके अंदर अपन डालेंगे थोड़ी हरी मिर्ची थोड़ी और हरी मिर्ची तेज हो जाएगी अब इसके अंदर अपन लाल मिर्ची और ब्लैक पेपर जो ना वो डाल देंगे इसके अंदर ही ये भी अंदर चाल देंगे इसके अपन सब पक जाएंगे ये होगा ग्रेवी क्या क्या बन गया ग्रेवी ग्रेवी तेज ग्रेवी अपने सॉसेज को थोड़ा पकने देंगे तेज चिकन के बाद नमक पहले डालिए नहीं क्योंकि नमक मेरा सोया सॉस में रहता है इसलिए भी नमक है हाँ तो मैंने चखा मैंने चख लिया अच्छा माशाल्लाह बराबर है चलो अभी ये बन रहा है बनने के बाद दोनों को मिक्स कर देंगे फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ अब बारी आ गई लोगों को मिक्स करने की अभी वो मिक्स कर रही है मैं आप लोग को दिखाता हूँ उस ग्रेवी में चिकन जा रही है फिर उसके बाद टेस्ट ही कुछ अलग हो जाएगा है ना चलो हो गई अपनी ग्रेवी अब इसके अंदर अपन ये डाल देंगे चिकन हाँ यार क्या बात है शब तेरे में जादू है तो ये पूरा हो गया इसमें यार वो भी डालते हैं क्या बोलते हैं शहद लेकिन शहद बच्चे लोग नहीं खाते उनको नहीं पसंद आता चलो अब इसमें ग्रेवी ऑनियन जाएंगे और ये तेल है ना जो वो तेल खोल जाएंगे सेम दिख रही है यस मेरे को यकीन ही नहीं आता है हो गया या अल्लाह ये मैं ये बोलूँ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ सेम दिख रहा है मेरे को बाकी खाने के बाद मालूम पड़ेगा कैसा बनता है जब याद नहीं हम लोग खरीदी करके आ चुके कैरन गई थी किधर गई थी कैरन से जो उसके जो सूट टाइट हो रहे थे बदली करके उसने कुछ और ली तो मैं आप लोग को दिखा था उसने क्या ली मम्मा तो मैंने दो ड्रेस थे दो ड्रेस चेंज करके ना मैंने एक बार ये वाला ले ली ड्रेस अच्छा लग रहा है एक ये है इसके ऊपर ये प्लाजो है और ये दुपट्टा है और उसके बदले में चार नाइटी ले ली एक ड्रेस के बदले में तो मेरे को ऊपर से सिर्फ 1100 रुपए देना पड़ा तो अच्छी नाइटी है ना ये एक क्योंकि नाइटी ज्यादा काम आती है मेरे दो और तीन मैं बोल देता हूँ अच्छी है ना फुल अस्तीन के लिए सब एक ने वो कमेंट्स किया आंटी आप हाफ अस्तीन की कपड़े मत पहनो तो हाफ अस्तीन की मेरी वो 1890 आ गई थी बाकी मैं ज्यादा हाफ अस्तीन की ड्रेस नहीं पहनी तो बस अच्छी लग रही ना मुझे बस मैंने ये 490 ले ली उसके बदले में तो मेरे को ऊपर से सिर्फ 1100 रुपए देना पड़ा और उसमें 490 आ गई तो अच्छा हुआ ना अच्छा ना ड्रेस कम हो गया और तेरे को एक और शॉपिंग का मौका मिल गया चलो ठीक है तो मैं इधर ही ब्लॉग एंड करता अच्छा लगे तो लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो बेल आइकन बटन दबाओ नहीं दबे फिर भी दबाओ।